फ्रेंड्स, मैं सीबू गेम पोर्टल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम जानेंगे आज स्टोरी एक ऐसे मिस्टीरियस कैरेक्टर की माइनक्राफ्ट में, जिसे कहते हैं नल। नल एक ऐसा कैरेक्टर है माइनक्राफ्ट में जो बिल्कुल डार्क होता है, जिसकी आंखें नहीं होती है। ये चुपचाप आपके वर्ल्ड में आ जाता है और दूर से आपको देखता रहता है। ये हीरो ब्राइन और एंटिटी 303 के बाद बहुत फेमस कैरेक्टर है माइनक्राफ्ट में, जिसमें इसकी दोनों हीरो ब्राइन और एंटिटी 303 के साथ फाइट भी हो चुकी है। जैसा कि इसका नाम खुद ही बताता है, नल का मतलब होता है वाइड, यानी कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी जो है ही नहीं। और बिल्कुल हीरो ब्राइन की तरह यह भी एक बहुत ही ईविल कैरेक्टर है। अगर ये आपके वर्ल्ड में आ गया तो आपके वर्ल्ड में तरह तरह की चीज़ें आपको दिखने लगेगी, जैसे कि साइन बोर्ड्स जिसमें नल लिखा होता है, या खेलते खेलते आपके स्क्रीन में ग्लिचेस आना चालू हो जाएंगे, स्क्रीन ब्लर होना चालू हो जाएगी और आखिरी में आपका गेम हैंग होना चालू हो जाएगा। इसे सबसे पहले अगस्त 2014 में एक प्लेयर कम अलॉन्ग विथ जॉश के द्वारा देखा गया था। उसके वर्ल्ड में ये बार बार आता और उसे दूर से देखता रहता, कई बार ये उसके ऊपर अटैक भी किया था। जॉश अपने दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर वर्ल्ड में खेलता था, उसमें ये उन पर अटैक भी करता था। उनके साथ बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं हुई, जैसे कि वो खेलते खेलते अचानक ही दूसरे जगह स्पॉन हो जाते थे, और अगर वो माइनिंग कर रहे हो या किसी रूम में हो तो अचानक छत में से लावा गिरना चालू हो जाता था। नल ने उस प्लेयर की दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जैसे कि उसके नदर पोर्टल वगैरह को उसने तोड़ दिया। तो उस घटना के बाद से नल फेमस होना चालू हो गया और उसे नेक्स्ट हीरो ब्राइन भी कहा जाने लगा, क्योंकि हीरो ब्राइन की तरह भी उसमें काफ़ी सारी ईवल शक्तियां थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि माइनक्राफ्ट में ईवल शक्तियां आपस में टकराती रहती हैं और आपस में इनकी फाइट भी होती है, तो इसकी भी फाइट हुई थी हीरो ब्राइन के साथ में और साथ ही साथ एंटिटी 303 के साथ में भी। हालांकि उस फाइट में कुछ समय के लिए उन पर भारी भी पड़ा, क्योंकि इसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर भी थी। ये बिल्कुल एंडरमैन की तरह कहीं भी गायब होके कहीं भी स्पॉन हो सकता था, या आप इसे कह सकते हैं एंडरमैन का स्टीव का रूप, जिसके पास बिल्कुल एंडरमैन जैसी शक्तियाँ होती है और एडिशनल में हीरो ब्राइन की भी पावर है इसके पास में। हालांकि बाद में जो फाइट हुई उसमें हीरो ब्राइन जीत गया, और सेकंड फाइट में जो एंटिटी 303 के साथ में थी उसमें भी एंटिटी 303 जीत गया था। फिर भी हारने के बाद भी इसकी पावर्स कम नहीं है, इसे कम नहीं आंका जा सकता, इसलिए एंटिटी 303 और हीरो ब्राइन के बाद सबसे पावरफुल कैरेक्टर है ये माइनक्राफ्ट में। तो ये थी भाई स्टोरी नल की, जिसमें आपने जाना कि नल कौन था, इसकी पावर्स क्या क्या है। होप ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल्स गेम पोर्टल और गेम पोर्टल 2.0 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।